तो क्या ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से इस सीरीज जीतने वाली है? क्या इंडिया लास्ट ओडीआई सीरीज का बदला लेने वाली है? क्या इंडिया अब बिना रोहित शर्मा और विराट कोहली के थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है? क्या मोहाली की ये पिच इस बार रन नहीं बरसाने वाली है? क्या बारिश का खतरा बन रहा है? क्या कुछ रहेगा पिच का मिजाज और क्या रहेगी प्लेइंग 11 और कैसा रहेगा वेदर फोरकास्ट? इन सब बातों पर चर्चा इस वीडियो में, तो जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, जल्दी से बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के इस पहले मुकाबले की, पर उससे पहले दोस्तों जल्दी से बात कर लेते हैं लास्ट सीरीज की। जैसा कि वैसे तो तुम्हें याद ही होगा, पर मेरे कुछ दोस्तों को अगर याद ना हो तो मैं उनको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ कि लास्ट सीरीज जो खेली गई थी ओडीआई की इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, वो भी इसी साल खेली गई थी मार्च के महीने में, जहाँ ऑस्ट्रेलिया टेस्ट चार टेस्ट खेलने आई थी और 3 ओडीआई खेलने आई थी। वहां पर टेस्ट में जहां शुरू के 2 मैच में बुरी कदर पिट गई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, वहीं तीसरा टेस्ट जीतने में ऑस्ट्रेलिया कामयाब रही थी और चौथा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने ड्रॉ कराया था, तो थोड़ा सा दम दिखाया था उन्होंने। वहीं दोस्तों ओडीआई सीरीज जब शुरू हुई थी तो पहला जो मैच था वो इंडिया बहुत इजीली जीत गया था, जहां पर लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया फिर से जैसे टेस्ट में एक तरफा हार गया वैसे ही ओडीआई सीरीज भी एक तरफा हार जाएगा, पर वहीं पर जब सेकंड मैच हुआ और बरसात ने कलर डाल ली तो लगा कि ये मैच बारिश में धुल जाएगा, पर 11 ओवर का वो मैच हुआ था इन दी एंड लास्ट में, जहां पर ऑस्ट्रेलिया को चाहिए थे लगभग 100-115 रन और मिचेल मार्श की वो आती सी पारी, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार फिर से देख लेना उसकी झलकियां। वहीं दोस्तों तीसरा मैच में मिचेल मार्श ही नहीं, दूसरे मिचेल भी चमके थे जो कि थे मिचेल स्टार्क, 5 विकेट झटके थे और इंडिया को मात्र 126 रन के स्कोर पे ऑल आउट कर दिया था, तो उस मैच में मिचेल की हो गई थी चांदी। वहीं तीसरा मैच जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेलने उतरे तो वो भी ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गया और इंडिया जो है 269 रन का लक्ष्य आई थिंक मिला था उसको पाने में नाकामयाब रही और इंडिया वो मैच हार गई थी। और उस मैच में एडम जंपर रहे थे प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला था मिचेल मार्श को, तो बेहतरीन पारी खेली थी उन्होंने उस सीरीज में और वैसा ही कुछ हो सकता है इस सीरीज में भी, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया की आप टीम उठा के देखें जो 15 सदस्यीय टीम है उसमें कोई भी ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लगभग वैसी ही टीम जो उस समय मार्च में थी वही यहां देखने को मिलेगी और वही आपको अगले महीने वर्ल्ड कप में देखने को मिलने वाली है। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ही तगड़ी होती है जब भी आईसीसी टूर्नामेंट होता है, पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी खा लेते हैं वर्ल्ड कप के टाइम पे, जो एक अलग ही परफॉर्मेंस देने में ये सफल रहते हैं। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की, तो मुझे जो लगता है दोस्तों डेविड वार्नर आपको दिखेंगे, ट्रेविस हेड थोड़े से इंजर्ड हो चुके हैं तो वो तो आपको नहीं दिखने वाले हैं दोस्तों, वहीं आपको मिचेल मार्श दिखेंगे एक बार फिर से आती सी पारी। और आप ज्यादा दूर नहीं जाए, अगर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज और ओडीआई सीरीज अगर आपने देखी हो तो मिचेल मार्श ने उसमें दमखम दिखाया है। T20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया जीती थी, वहीं ओडीआई भी 2 मैच जीती थी, पर आखिर के 3 मैच में साउथ अफ्रीका ने जबरदस्त वापसी करी थी और बबूमा की वो पारी आपको याद होगी जहां पर उन्होंने शतक लगाया था, वो मैच तो ऑस्ट्रेलिया जीत गया था पर वो पारी हमेशा याद रखी जाएगी, वो तो बेस्ट थी। अगर ओडीआई क्रिकेट की अगर हम बात करें तो दोस्तों फॉर्म में है ऑस्ट्रेलिया के सारे ही प्लेयर, वहीं इनके बाद आपको देखने को मिलेंगे मानस लमसेने, जबरदस्त इनिंग खेली थी जहां पर वो कंसेशन बने थे किसके, कैमरून ग्रीन के, उनकी जगह पे वो आए थे सब्स्टिट्यूट बनकर और जबरदस्त पारी खेली थी और वो यही नहीं मैच जिताया था और वो भी ऐसी सिचुएशन से जहां 7 विकेट हो गए थे लगभग, वहां से मैच जिताना बहुत बड़ी बात है। तो बहुत तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं, स्टीव स्मिथ भी रहेंगे साथ में, जबरदस्त मादर रखते हैं ये भी। वहीं अगर दोस्तों बात कर लेते हैं अब बॉलिंग की, तो मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जंपा के साथ आपको सीन अबाउट भी देखने को मिलेंगे, तो रफ्तार में बिल्कुल भी कमी होने नहीं वाली है, नितिन एलिस भी दिखेंगे वाले हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की ये जो टीम है बहुत मजबूत लगती है। वहीं इंडिया की अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा और विराट कोहली को दे दिया गया है आराम, इस बार आपको दिखेंगे केएल राहुल काम करते हुए जो कि हैं कप्तान इस बार टीम इंडिया के, वहीं वाइस कप्तान बनाया गया है सर रविंद्र जडेजा को, ये उनका पहली बार होगा जब वो वाइस कैप्टन बन रहे हैं ओडीआई में। वहीं टीम युवाओं पर छोड़ दी गई है जहां सुमन गिल, ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड आपको देखने को मिलेंगे, वहीं मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, इन पे रहेगा दामोदर, वहीं विड गिबन के 2 ऑप्शन हो चुके हैं यहां पर, आपको ईशान किशन भी मिलते हैं, केएल राहुल भी मिलते हैं, तो ऑप्शन हो जाते हैं इंडिया के पास। वहीं दोस्तों गेंदबाजी की अगर बात करें
तो सबसे बड़ी बात जो उठ के आई है वो यही है कि अक्षर पटेल की जगह यहाँ पर रविचंद्र अश्विन को बुलाया गया है और रविचंद्र अश्विन की हो गई है वापसी। अब उनको प्लेइंग 11 में मिलती है जगह या नहीं है तो समय बताएगा, पर मुझे लगता है कि कल भी स्पिन में अगर हम देखें तो भैया कुलदीप यादव के साथ आपको अश्विन के थोड़े से चांसेस लगते हैं अगर शार्दुल ठाकुर नहीं खेलते हैं। वहीं दोस्तों गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और सिराज का वो स्पेल है तो सिराज को तो बिल्कुल आराम दिया नहीं जाएगा पहले मैच में। सिराज और बुमराह की जोड़ी आपको देखने को मिलेगी, मोहम्मद शमी को थोड़ा सा करना पड़ सकता है इंतजार। तो यही कुछ प्लेइंग 11 रहने वाली है। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं टॉस की, तो टॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है क्योंकि इंडिया में अगर मैच होता है तो भैया रनों की बरसात होना तो लाजमी है, और जब ऐसी दो बड़ी टीमें खेलती हैं तो बहुत ज्यादा लाजमी की हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है। और क्योंकि ये मैच मोहाली के इस ग्राउंड में है तो यार रनों की तो बरसात होनी ही होनी है, तो टॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो भी टीम टॉस जीतेगी वो यही चाहेगी भैया चेस किया जाए क्योंकि बारिश का खतरा बिल्कुल भी नहीं है और धूप आने वाली है, भयंकर वाली गर्मी होगी और सूखी ये पिच होगी तो रनों को बरसाती हुई दिखने वाली है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच के रिजल्ट की, तो मुझे लगता है दोस्तों कल जो पहला मैच होने वाला है जो भी टीम चेस करेगी उसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो कल जीत जाए। वहीं दोस्तों मुझे जो फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि कल ऑस्ट्रेलिया पहला ओडीआई जीतने वाली है। आप भी कमेंट करके जरूर बताना को क्या लगता है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।